बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 4.1 की जो लेक्चर चल रहे हैं हमारे, इसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया था, और वहाँ पर हमने कुछ एडिशन प्रोसेस को भी डिस्कस किया था, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स एडिशन प्रोसीजर्स वगैरह के हवाले से। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15, लेक्चर नंबर 7 हम शुरू कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 4.1 का 15वां सवाल ये इस वक्त मौजूद है हमारे पास बोर्ड पर। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ए हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ऑर्डर है 3x3। इसमें हम देख रहे हैं कि डायगोनल में 1, 1, 1, बाकी तमाम प्लेसेस पर 2 है, और हमसे कह रहे हैं शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a - 5i इज इक्वल टू ओ। जो i के साथ 3 लगा हुआ है और o के साथ 3 लगा हुआ है, ये इनके ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी क्योंकि ए हमें गिवन है 3x3, तो i के साथ 3 होने का मतलब 3x3 का ही हमें यूनिट मैट्रिक्स लेना होगा। O के साथ 3 लगा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पर नल मैट्रिक्स भी 3x3 लेना होगा। O का मतलब नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो शुरू में हमने बात की थी लेक्चर नंबर 2 में, ये एग्जैक्टली वही है, और ये हमेशा i और O से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 का मतलब इनका ऑर्डर है 3x3। अब देखिए, ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। ए स्क्वायर चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, ए है ए स्क्वायर नहीं, माइनस 4 है ये भी नहीं है, माइनस 5i ये भी नहीं। अब ये माइनस 4a और माइनस 5i, तो ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आप माइनस 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या माइनस 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस से, लेकिन ए स्क्वायर को हम इतना डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है ए स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोसीजर है सारे के सारे हमें वो फॉलो करने होंगे। स्टार्ट करेंगे, हेडिंग रखेंगे प्रूफ। पहले हम कंसीडर कर लेंगे ए स्क्वायर। इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हम इसकी फर्स्ट टर्म से बात शुरू करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिए हमें ए को मल्टीप्लाई करना होगा ए से। मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1। अगेन मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1। इस सिस्टम में एक ही मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है, और उसमें हम देख रहे हैं डायगोनल में 1 है और बाकी तमाम में 2 है। अब मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसीजर है, वो चेंज नहीं होगा। वो जो हमेशा से हमने शुरू से ही डिस्कशन कर रखा है अपने कि भाई यहाँ से रॉ लेंगे और वहाँ से कॉलम, पहले मैट्रिक्स से रॉ और सेकेंड से कॉलम, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड पर ए स्क्वायर है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, और थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से। स्टार्ट कीजिए, 1, 1 ज़ा 1 प्लस 2, 2 ज़ा 4 प्लस 2, 2 ज़ा 4। और जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक आंसर आता है, और उसको हम एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सबसे आसान होता है कि भाई आप एक ब्रैकेट बना लें ताकि पता चले यहाँ से यहाँ तक कि सिंगल वैल्यू है, नेक्स्ट टाइम इनको ऐड करके हम सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया आपने, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉलम चेंज होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से 1 और 2, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, 1 ज़ा 2, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2, 2 ज़ा 4। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्ड कॉलम पर आ जाइए, आखिरी कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से 1, 2 ज़ा 2, सेकंड नंबर पे 2, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से 2, 2 ज़ा 4, और आखिर में 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर मैट्रिक्स क्लोज करने का मकसद वही है, क्योंकि हमारे पास फर्दर कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक रॉ को 1, 2, 3
तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब आप यहाँ पर रॉ चेंज करेंगे और इसके साथ भी वही प्रोसेस होगा। सेकंड रॉ पर आ गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे और आंसर भी हम कॉलम चेंज करके रखेंगे। टू मल्टीप्लाई करेंगे पहले वन से, टू वन ज़ा टू, फिर वन मल्टीप्लाई होगा सेकंड प्लेस पर, वन टू ज़ा टू, और आखिर में टू टू ज़ा फोर। कॉलम चेंज कीजिए, रॉ चेंज नहीं होगी। टू मल्टीप्लाई होगा टू से, टू टू ज़ा फोर, सेकंड पर वन और वन है तो वन वन ज़ा वन, और थर्ड पर टू टू ज़ा फोर। फिर कॉलम चेंज कर देंगे, रॉ अपनी जगह रहेगी। सबसे पहले टू टू ज़ा फोर, सेकेंड पे वन टू ज़ा टू, और आखिर में टू वन ज़ा टू। तो यूँ सेकेंड रॉ कंप्लीट हो। थर्ड एंड लास्ट रॉ, इसको भी स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट कॉलम्स। पहला एलिमेंट टू है और वहाँ पर वन है तो टू वन ज़ा टू, सेकेंड नंबर पे टू टू ज़ा फोर, और आखिर में हम देख रहे हैं वन टू ज़ा टू। कॉलम चेंज होगा, टू टू ज़ा फोर सबसे पहले, फिर टू वन ज़ा टू सेकेंड नंबर पर, फिर वन टू ज़ा टू लास्ट। फिर थर्ड रॉ के साथ हम थर्ड कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे तो टू टू से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टू भी टू से ही मल्टीप्लाई होगा, ये भी फोर बन गया, और आखिर में वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन आ गया। तो जो मैकेनिज्म है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया। फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड रॉ को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। और हमेशा की तरह इस बात का ख्याल रखा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड से होगा, और थर्ड थर्ड से होगा। अब इन सब को ऐड कर लें, अगर आप और कीजिए तो ये जो वैल्यू है वन प्लस फोर प्लस फोर, ये नाइन के बराबर है। और अगर मैं डायगोनली चलूँ तो यहाँ पर भी ये नाइन आ रहा है और लास्ट में भी नाइन आ रहा है। बाकी तमाम प्लेसेस में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं टू प्लस टू प्लस फोर, ये एट बनेगा, ये भी एट बनेगा, ये भी एट बनेगा, यहाँ भी एट बनेगा, तो डायगोनल में नाइन और बाकी सारे एट। तो इस तरह से ए स्क्वायर हमें हासिल हो रहा है और इंटरेस्टिंग आंसर है नाइन एट 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 नाइन एट 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 नाइन। तो इन सब को हमने ऐड कर लिया तो डायगोनल में हमें नाइन मिल गया और बाकी तमाम प्लेसेस पर एट मिल गया। अब देखिए ये ए स्क्वायर हमारा आंसर नहीं है, हमें तो इन्होंने कहा है कि शो दैट ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई थ्री, ये हमें इक्वल लाना है ओ थ्री, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर ये पूरा सिस्टम और राइट साइड पर हमें इसको बनाना है ओ थ्री के बराबर। तो हम ये करेंगे कि इस पूरे सिस्टम को जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, अपनी सहूलत के लिए कोई आसान सा एक नाम इसको हम दे देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पी के बराबर है, लेट पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई थ्री, ताकि हमें बार बार ये पूरा सिस्टम लिखने की जरूरत ना पड़े। बस उसको मुख्तसर तौर पर हमने पी के, पी कोई अहम बात नहीं है, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं उसको। फिलहाल हमने उसको पी का नाम दिया है तो पी रखेंगे अपनी जगह, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा जो अभी अभी हमने बनाया था, यहाँ पर हम उसको प्लेस कर देंगे, माइनस फोर, माइनस फोर के साथ आ जाएगा ए, फिर माइनस फाइव, माइनस फाइव के साथ आ जाएगा आई। ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई, तो सबसे पहले ए स्क्वायर रख दीजिए नाइन एट 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 नाइन एट 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 नाइन,
फिर माइनस फोर के साथ आ जाएगा ए, ए तो हमें गिवन है, वन टू टू, टू वन टू, टू टू वन। फिर माइनस फाइव के साथ आ जाएगा आई, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इससे पहले भी हम पार्ट्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई थ्री का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री, तो ये मिल जाएगा हमें वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। अब यहाँ पर वही सारे स्टेप्स होंगे जो हम प्रीवियस क्लास में भी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर एट में। अब देखिए कि ये सिस्टम, अगर इसके बाहर कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फोर को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कीजिए। हम ये बात शुरू से समझने की कोशिश कर रहे हैं, दरमियान में सब्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ दें हम। मैट्रिसेस के दरमियान में अगर सब्ट्रैक्शन साइन आ जाए तो वो हमने लाजमी तौर पर ख़त्म करना है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके बाहर तो कोई नंबर नहीं है, इसे कॉपी कर लें, नाइन एट एट, एट नाइन एट, एट एट नाइन। आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस फोर है, माइनस को तो हमने दरमियान में रखा नहीं, तो माइनस फोर को हम सिस्टम में लाके सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर आ जाएगा प्लस। माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर, माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट, फिर टू से करेंगे तो माइनस एट। और इस सिस्टम में हम देख रहे हैं वन और टू के अलावा कुछ नहीं है, तो जहाँ जहाँ पर वन आ रहा है उसे माइनस फोर से मल्टीप्लाई करके माइनस फोर लिख देंगे, और जहाँ जहाँ टू आ रहा है वो सब मल्टीप्लाई होकर माइनस एट बना लेंगे। तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा माइनस एट, माइनस फोर, माइनस एट, थर्ड में आ जाएगा माइनस एट, माइनस एट, माइनस फोर। यही मैकेनिज्म हम कंटिन्यू करेंगे, हमें माइनस या सब्ट्रैक्शन दरमियान में नहीं छोड़ना है, हमें प्लस की साइन लानी है, न्यूट्रल साइन लानी। तो माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कीजिए सबसे, जहाँ वन है वहाँ पर माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव आ जाएगा, और जहाँ जीरो है वहाँ जीरो ही रहेगा। तो जहाँ जहाँ वन है वहाँ पर हमने माइनस फाइव कर दिया, जीरो की जगह जीरो ही आ गए सारे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर हम रखेंगे पी अपनी जगह। अब देखिए ये वन टू थ्री, थ्री सिस्टम्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी दरमियान में एडिशन साइन है, यहाँ भी दरमियान में हम देख रहे हैं कि एडिशन साइन। मैट्रिसेस को जब आप ऐड करते हैं तो एक साथ आप दो सिस्टम्स को भी ऐड कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, चार को भी कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मैट्रिसेस अगर ज़्यादा हैं तो भी हम एडिशन प्रोसेस में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम इन तीनों सिस्टम्स को एक साथ जो है वो ऐड करने जा रहे हैं, बस हमें प्लेसेस का ख्याल रखना होगा। तो यहाँ जो फर्स्ट प्लेस है वो है नाइन, इसकी फर्स्ट प्लेस है माइनस फोर, इसकी फर्स्ट प्लेस है माइनस फाइव। अब ये तीनों प्लेसेस एक साथ आएंगे, इसी जगह पर आएंगे, करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का हमें ख्याल रखना होगा। तो नाइन माइनस फोर माइनस फाइव, ये सब एक साथ आ गए। कॉलम वाइज चलेंगे तो एट माइनस एट प्लस जीरो, एट माइनस एट प्लस जीरो, फिर एट माइनस एट प्लस जीरो, थर्ड प्लेस पे सेम वैल्यू आ गई, एट माइनस एट प्लस जीरो। ये पहला कॉलम कंप्लीट कर लिया, सेकंड कॉलम पे जाएं, एट माइनस एट प्लस जीरो, नाइन माइनस फोर माइनस फाइव, सेकेंड प्लेस ले रहे हैं, सेकेंड कॉलम की सेकेंड वैल्यू, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर हम जाएंगे थर्ड वैल्यू पर, एट माइनस एट प्लस जीरो, सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आखिरी कॉलम पर आ जाएं, एट माइनस एट प्लस जीरो, इसकी सेकेंड वैल्यू है एट माइनस एट प्लस जीरो, और फिर लास्ट वैल्यू में नाइन माइनस फोर माइनस फाइव। तो क्लास हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जीरो बन रहे हैं, नाइन में से आप फाइव फोर माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, यहां पर भी ऐसे जीरो बन रहे हैं और यहां भी ऐसे जीरो बन रहे हैं,
बाकी तमाम प्लेसेस पर हम देख रहे हैं कि 8 माइनस 8 करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएंगे। तो पी जो है इसके लिए जो वैल्यूज हमें हासिल हुई हैं वो हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और हम जानते हैं कि जब किसी सिस्टम में सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाएं तो उसको फिर हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और अगर इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है तो ये कहलाता है फिर O3। और यही हमें चाहिए राइट साइड पर। हमें देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे काम किया और राइट साइड पर हमें O3 मिल गया। तो अगले स्टेप में आप दो काम करेंगे, एक तो पी को वापस लाएं। पी किसके बराबर है हमने सपोज किया हुआ है a² - 4a - 5y3। तो पी की जगह रख देंगे a² - 4a - 5y3। और दूसरा राइट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं कि ये नल मैट्रिक्स बन गया तो इसको लिख देंगे O3। और यही वो इक्वेशन है जिसको प्रूफ करने के लिए हमसे कहा गया था a² - 4a - 5y3 = O3। तो ये बात प्रूफ हो गई यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है जिसके थ्रू हमने पहले a² बनाया, उसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें एडिशन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ भी ये सवाल कनेक्टेड है। आपको याद होगा कि नंबर 8 के हमने दो पार्ट्स किए थे और लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपसे कहा था कि उसका पार्ट 3 मैं आपको बाद में दूंगा करने के लिए। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जब ये खुद से हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 तो पार्ट 3। बिल्कुल इसी पैटर्न पर करना है आप, बस उसमें ये कि प्रूव नहीं करना, उसमें सॉल्व करने के लिए वो आपसे कह रहे हैं, पैटर्न यही रहेगा उसके अंदर। ओके क्लास। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है नंबर 19। इसमें हमसे कह रहे हैं कि ए हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 बाई 3। हमें ये वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि a² + a शुड बी इज इक्वल टू a × a+i। अब ये इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर काम करना है। तो मैं इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा करवाऊंगा आपको और आधा आप लोग करेंगे खुद से। हम इसके राइट साइड पे काम करेंगे। अच्छा, इस तरह के सवालों में होता है डू एज डायरेक्टेड, जैसा आप देखते जा रहे हैं वैसा करते जाएं। क्योंकि मैं राइट साइड से शुरू कर रहा हूँ तो राइट साइड पर हम देख रहे हैं कि ए को मल्टीप्लाई करना है a+i से। तो राइट साइड के अंदर भी दो काम करने हैं हमें, पहले a+i बनाएंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम a से। स्टार्ट कर दें, हेडिंग रखेंगे प्रूफ। कंसीडर राइट हैंड साइड और बात शुरू करेंगे a+i से। जो ब्रैकेट है पहले हम इनको ऐड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई होगा। a+i का मतलब मैट्रिक्स ए को आपने ऐड करना है मैट्रिक्स आई के साथ। अब ए जो है वो तो हमें गिवन है 1 2 0 0 1 1 -1 3 1, जबकि आई जो यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, ना भी हो तो जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसको फॉलो किया जाता है हमेशा। ए प्लस आई फाइंड करने निकले हैं हम, तो ए में प्लस करना है आई, और प्लस करने के लिए हम जानते हैं कि हमें करिस्पॉन्डिंग प्लेसेस का ख्याल रखना होता है, सेम प्लेसेस का ख्याल रखना होता है। तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, 2 + 0 ये हो जाएगा 2, 0 + 0 में आ जाएगा 0। और हम आ जाएंगे सेकेंड कॉलम पर, इसमें 0 + 0 है तो सेम प्लेसेस का ध्यान रखना है। 1 + 1 ये 2 हो जाएगा और फिर 1 + 0 के साथ 1 बनेगा। फिर थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे तो -1 में 0, ऐड करेंगे तो -1, 3 में प्लस कर देंगे 0 तो 3, और आखिर में 1 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2।
तो राइट हैंड साइड पर जो दो काम करने हैं, ए प्लस आई, पहला काम तो हमने कर लिया कंप्लीट, अब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस आई से। तो पहले रखेंगे मैट्रिक्स ए, फिर रखेंगे ए प्लस आई। अब ए जो पहले रखना है वो मौजूद है यहां पर 1 2 0, 0 1 1, -1 3 1, और ए प्लस आई जो हमने अभी अभी बनाया 2 2 0, 0 2 1, -1 3 2। तो ये मिल गया हमें मैट्रिक्स ए और ये मिल गया ए प्लस आई, ए को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ए प्लस आई से। तो ए मल्टीप्लाई भी ए प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड पर जो मौजूद है उसे हम सिर्फ कॉपी करते जाएंगे। राइट साइड पर हमें यहां से रॉ लेना है और यहां से कॉल, मल्टीप्लीकेशन का रूल है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 आ जाएगा, 0 के साथ आएगा 2 तो 0 बनेगा, और -1 के साथ आएगा 0, तो दोनों 0 हो जाएंगे, 2 के बाद बाकी दोनों वैल्यूज 0 होंगे। 0 के साइन में आप माइनस लगाएं या प्लस लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन। कॉलम चेंज करें, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जाएं, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर 0 को 2 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा, आखिर में -1 + 1 करेंगे तो -1, 0 0 -1। रॉ चेंज कर लें, सॉरी कॉलम चेंज कर लें, रॉ 1 रहेगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये आ जाएगा -1, सेकेंड में 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 0, और थर्ड में -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -2, तो -1 0 -2। फर्स्ट रॉ आपने तीनों से मल्टीप्लाई करा दी, अब यहां से आप रॉ चेंज कर लें, सेकेंड रॉ पर आ जाएं, और सेकेंड रॉ में जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, स्टार्ट करें 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4, 1 2 2, और आखिर में 0, 4 + 2 + 0। कॉलम चेंज होगा, सेकंड कॉलम पर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 0 से, 0 हो गया, फिर 1 2 2, फिर 3 1 3, तो ये आ जाएगा 0 + 2 + 3, और फिर आखिरी कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -2 आएगा, फिर 1 3 3, 3 2 6, -2 + 3 + 6। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर लिया, थर्ड एंड द लास्ट रो इसको स्टार्ट लेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 आएगा पहले 2 के साथ, 0 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2, और आखिर में 1 को 0 से करेंगे तो 0, तो दरमियान में 2 आ रहा है, बाकी दोनों 0। कॉलम चेंज कीजिए, सेकंड कॉलम में हम जब जाएंगे तो 0 0 0, 1 2 2, 1 1 1, और फिर लास्ट रो लास्ट कॉलम में जब जाएंगे हम तो हम देख रहे हैं कि 0 के साथ -1 आएगा तो 0 हो जाए, 1 के साथ 3 होगा, फिर 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 फिर 1 के साथ 2, लिहाजा ए मल्टीप्लाई जो हमने किया ए प्लस आई के साथ इसका रिजल्ट हमें हासिल हो गया। ये सिस्टम सिंप्लीफाई कर लें, 2 0 0 2, 4 2 का मतलब 6, 2 -1, 3 2 5, 2 + 1 3, -3 7 5, तो ये रिजल्ट हासिल हो गया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। और फिर अब आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आप लोगों ने मुकम्मल करना है, आधा सवाल हमने परफॉर्म कर लिया है,
इक्वेशन वन का मतलब है कि राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब कंसीडर करें लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी दो काम करने हैं। पहले ए स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये हम बहुत से क्वेश्चन में बना चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने इस सवाल में नहीं बनवाया। जब ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को ऐसे मल्टीप्लाई करके लाएंगे ऑब्वियसली, तो उसमें प्लस कर देंगे ए को, तो इस तरह से जो इक्वेशन टू बनेगी उसका आंसर इक्वेशन वन के साथ कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल लाकर प्रूव करेंगे। और कोई मसला अगर हो तो आप बिल्कुल ओपन टू आस्क एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो वहाँ पर आप अपने इशूज़ जो हैं वो देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे लेक्चर नंबर 1 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।